मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा फिफ्थ सेवेंथ। आपने लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन पिक्चर देख के 5-10 लाइंस मैंने बोला था लिख के भेजा, लेकिन बहुत से बच्चों ने नहीं भेजा है, तो सब भेजो। चलो स्टार्ट करें। फूल और काटे, विचार मंथन, भूल कर भी ना करे भूल, बने फूल नहीं शूल। मतलब भूल कर भी हमें कोई गलती नहीं करना है, हमें क्या बनना है? फूल बनना है, शूल यानी काटा नहीं बनना है हमें, ठीक है? चलो। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। जन्म एक ही जगह पे हम सब लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। चांद चमकता है तो सब पे रोशनी वो एक सी डालता है और एक सी ही सब पे चांदनी पड़ती है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बहती। मेघ मतलब बादल, बादल सब पर एक समान बरसता है और एक सी हवाएं सब पर चलती है। पर सदा यह देख दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मतलब हमने ये देखा है कि जैसे इसमें क्या लिखा है, सब जन्म एक एक से अगर लेते हैं, एक साथ लेते हैं, सब एक जैसा पालते हैं पौधा, उन पर चांदनी एक जैसी पड़ती है और हवा और बारिश भी एक समान होती है, पर सबका नेचर, सब अलग अलग तरह के होते हैं, उनका रंग ढंग सब अलग अलग होता है। नेक्स्ट, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वर वश। छेद कर काटा किसी की उंगली में क्या करता है? चुभता है, हमें महसूस होता है जब काटा हमें चुभता है तो हमें महसूस होता है कि काटा चुभ रहा है। और काटा सुंदर वस्त्र यानी सुंदर कपड़े को फाड़ भी देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेग देता शाम तन। प्यार में डूबी मतलब जो तितलियां हैं उनके पर को भी काटा कतर देता है, फाड़ देता है। अगर वो काटा उनके पर में लग जाए, वो इतना पर सॉफ्ट होता है कि वो भी उसको फाड़ देता है। भौरे का है वेद देता शाम तन, और भौरे का जो तन होता है, जो उसकी उसका शरीर होता है वो काला होता है, उसको भी वो चुप चुप दे तो उसको भी दर्द होता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल है वो तितलियों को अपनी गोद में अपने ऊपर, आपने देखा होगा फूल हमेशा तितलियां हमेशा फूल के ऊपर बैठती हैं, भौरों को अपना अनूठा रस पिला। और जो भौरे हैं उनको अपने अपना रस देती है। आपने देखा होगा कि जो भौरे होते हैं वो फूल पर बैठ के उनका रस पीते हैं। नित सुंदर और निराले रंग से है सदा देता काली काल कली जी की खिला। निज सुगंध मतलब अलग अलग सुंदर और निराले रंग होते हैं और वो सदा कली को खिलाते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। एक खटकता मतलब कि एक जो काटा है वो सबकी आंखों में खटकता है, हाँ? और जो दूसरा है जैसे फूल, फूल है हम क्या करते हैं उसको सर पे सजा के सजा लेते हैं। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसक। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, हम अगर अच्छा नेचर करेंगे तो तब कुल की बढ़ाई होती है, और जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो हम अपने अच्छे काम करेंगे तो हमारे कुल का नाम होगा, बड़प्पन से हमारा काम होगा, किसी को गलत व्यवहार करने से नहीं होगा। इधर देखो नीचे लिखा है मैंने समझा, इसमें आपने जो पूरी कविता पढ़ी इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आया? इस कविता से हमें यह समझ मिलती है कि समाज में हमें अच्छा व्यवहार या आचरण रखना चाहिए तो ही हमें मान और सम्मान मिलेगा। हम जब दूसरे से अच्छा
अच्छा उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, तो ही हमें वापस उससे अच्छा आचरण मिलेगा। हमारे कुल को देखकर भी कोई हमारा अच्छा आचरण नहीं करेगा, कोई हमें देखेगा कि हाँ हमारा परिवार बहुत बड़ा है, सब अच्छा है, तो हमारे साथ कोई अच्छा नहीं करेगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा काम करेंगे तो ही हमारे साथ लोग अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने आप करिएगा। ये शब्द अर्थ दिए हैं, मेघ मतलब बादल, वर मतलब श्रेष्ठ सुंदर, वस्न मतलब वस्त्र, मेघना मतलब घायल करना, वेदना मतलब घायल करना, भौर मतलब भौरा, जी मतलब मन, सुहाना मतलब शोभा देना, शीश मतलब सर पर। जैसे यहाँ मैंने बताया था ना कि फूल को सर पर सजाते हैं, तो ये आप अपना क्लास वर्क करिए, शब्द पूरा नोटबुक में लिखिए और व्हाट्सअप करिए। ठीक है, फिर मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आगे के वो